हाय गाइज, वेलकम बैक टू RNX। तो वापस से आ गए हैं शिवम मोटर्स में। तो लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया हुआ था ऐसे सारे बाइकों के प्राइस के बारे में, बट उसके अंदर में कोई ऑफ़र नहीं था। बट अभी के टाइम पे यहाँ पे अप्लीकेबल ऑफ़र लग चुका है, आपको कैश डिस्काउंट मिलता है और भी ऑफ़र मिलते हैं आपको। बाकी चीज़ें जानने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ का आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का प्राइस बताता हूँ आपको। और भाई, इस वीडियो की सबसे स्टील डील मेरे को यही लगी है, 1,98,000 की पड़ रही है भाई ऑन रोड ऑफ़र के बाद। R15 AC से बोलते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिल जाता है, स्टेप नहीं मिलता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, R15 वर्जन 4 से बहुत ज़्यादा बेटर है। ये टूटता नहीं है, वर्जन 4 में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देता है, ये बार बार टूट जाता है। तो 1,98,000 में स्टील डील रहने वाली है ये बाइक। ये बाइक आपको सिंगल वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी, बट कलर जो है आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ब्लू कलर का भी ऑप्शन है और ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हो। तो ये बहुत सही टाइम है इस गाड़ी को बाय करने के लिए। तो ये आप देख रहे हो MT15 का दोनों कलर, ये है बेस वेरिएंट ब्लैक कलर के अंदर में, और ये है टॉप ऑफ द लाइन MT15 का। इसके अंदर में साइबर ग्रीन कलर भी आता है। तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके का लुक दोनों दे रहे हैं। और इन दोनों प्राइस की अगर बात करूँ ना इनके, तो ये आपको 2,03,000 की पड़ती है MT15 ब्लैक कलर वाली ऑफ़र के बाद में। 3,000 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ये आपको 2,08,000 की पड़ रही है अप्रोक्स में। तो इनके बीच जो है 5,000 का डिफरेंस है। तो सबसे लोएस्ट वेरिएंट जो यामा R15 के अंदर है वो है ये रेड कलर वाली। ये आपको ऑफ़र के साथ 2,18,000 की पड़ेगी। बेस मॉडल है ये R15 का। और अगर बात करें इसकी टॉप ऑफ द लाइन की, तो वो आता है R15 M। अभी उसको दिखाते हैं आपको। तो ये है टॉप ऑफ द लाइन R15 का वर्जन R15 M। और ये आपको पड़ेगा विद ऑफ़र 3,000 के रिडक्शन के बाद 2,35,000। और यहाँ पे आपको अभी बैटरी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो फीचर आता है नेविगेशन और TFT डिस्प्ले के साथ, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये आप देख रहे हो अभी यामाहा FZX क्रोम कलर के अंदर में। और ये आपको आफ्टर डिस्काउंट मिलने वाली है 1,63,000। और विदाउट डिस्काउंट इसका प्राइस है 1,68,000। तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस गाड़ी के ऊपर में। और भी कलर्स आपको दिखाता हूँ और बाकी प्राइस उनके भी बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है इसका ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर का जो प्राइस है, तो अगर आप ये क्रोम कलर लेते हो FZX में, तो ये आपको ज़्यादा कॉस्ट करती है। कम पैसों में चाहिए यही गाड़ी, आप इन कलर्स में से सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करती है 1,59,000, जो कि 5,000 का इसके अंदर में भी डिस्काउंट आपको लग जाता है। तो ये आप देख रहे हो यामाहा FZS, इसका जो कॉस्ट ऐसे आता है 1,49,000, बट आफ्टर 4,000 ऑफ प्राइस रिडक्शन आपको मात्र 1,45,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी। ये है यामाहा की FZ, ये सिंगल वेरिएंट के अंदर आती है विदाउट ब्लूटूथ। और इसकी रेगुलर प्राइस है 1,42,000 और आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4,000 ये आपको 1,38,000 में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यामाहा का स्कूटर, ये यामाहा रेजर। और ये आपको कॉस्ट करता है आफ्टर डिस्काउंट 1,12,000 से लेके 1,13,000 तक। तो इनके अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएंट का प्राइस डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको एक ही साथ बता दिया। तो ये आप देख रहे हो यामाहा का फासिनो स्कूटर, इसके ऊपर में आपको 1,11,000 से लेकर 1,13,000 तक ऑन रोड प्राइस में आ जाएगा। और ये आपको लगभग 2,000 से 3,000 तक का आपको प्राइस डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के ऊपर में।